One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा और पश्चिम में क्या एकता का मतलब ये है कि एक ही भाषा, एक ही जो है बोलचाल, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, विचार, राजनीतिक मंच एक ही होना चाहिए? विभिन्न पार्टी के नेता मौजूद, जो नारा दिया जा रहा था, मैंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, विपक्ष मुक्त भारत की नींव रखना चाहती है सरकार। और जो हमारी पुरानी कहावत थी कि कोस कोस पानी बदले और चार कोस पे वाणी, आप भाषा के माध्यम से नहीं थोप सकते, ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति की महानता हमारी विविधता में है। सद्भाव की जो भावना है, जो हमारी परंपरा है, उसमें हमारी संस्कृति को हम स्वीकार नहीं करना। लेकिन अगर कोई एक भाई दूसरे भाई पे वार करता है, ये कहकर के तेरी दाढ़ी लंबी है, तेरा पजामा छोटा है, तू गाय को कहां लेके जा रहा है, तो ये भैंस कहां लेके जा रहा है, तो कौन सी भाषा बोल रहा है और उस पे वार कर देता, तो क्या चलता है? अगर देश के स्वतंत्रता के पर्व के कुछ ही दिन पहले खबर आती है कि 70 बच्चे अस्पताल में मर जाते हैं और उसे कहा जाता है कि हादसा है, हादसे तो होते रहे हैं, होते चले आएंगे, आंकड़े बताए जाते हैं, क्या ये चलता है? एक स्वर में आज हम कहना चाहते हैं कि ये नहीं चलता, ये गाड़ी चलने वाली। और इसलिए आज हम सब एक संकल्प करें, संकल्प की बहुत बात हो रही। एक तो जो सरकार ने संकल्प किए थे 3 साल पहले, हम सबको कहीं ना कहीं याद दिलाना चाहिए। मैं इस मंच पे उम्र में सबसे छोटा हूं और इसलिए मुझे नौजवानों की वकालत करनी होगी। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हर महीने 1 करोड़ 20 लाख नौजवान वर्क फोर्स में और शामिल हो रहे हैं और सरकार में आंकड़े नहीं है। अभी 2015-16 का जो लेबर सर्वे आया उसमें कहा कि 3.7% है बेरोजगारी देश में। क्या इस आंकड़े को आप स्वीकार कर सकते? इसका तरीका मैं बता देता हूं, अगर आपने 1 साल में 30 दिन भी काम कर लिया तो आप बेरोजगार और उस आधार पे 3.7%। हम सब लोग जानते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, राजधानी के समीप किसी गांव में जाके देख लीजिए, सुबह और शाम अगर आपको 300 लड़के ऐसे यूं ही बेकार चलते फिरते ना मिल जाए और अगर उनके कान में आकर उनको कह दे ये सवारी आ रही है इस पर चढ़ जा, आग लगानी है, 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, तो भागे इस देश का कि वो जो युवा शक्ति है, जो ऊर्जा उनके अंदर है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि त्योहार का मतलब ये होता है, त्योहार का मतलब ये होता है कि अगर आप हिंदूवादी हो तो झंडा लेकर निकल पड़ो और हर एक के चेहरा में वो झंडा लेते चलो और राम जी का नारा लेते चलो, और जो अगर आपके साथ नारा नहीं ले बोलेगा वो देश का हिस्सा नहीं, वो देश का अंग नहीं। अगर हमारा देश वाकई एक है और हमारा एक बदन है, अगर एक अंग में चोट लग जाती है, एक अंग बीमार हो जाता है तो रोग पूरे बदन में फैल जाता है। तो इनकी परिभाषाओं को नकार करके आज हम एक संकल्प लें, यहाँ से जाने सके। वैसे तो विचार गोष्ठी होनी थी, गोष्ठी का रूप सम्मेलन में तब्दील हो गया क्योंकि इनका व्यापक जन समर्थन मिला कम समय की बधाई की बात, और मैं अभिवादन करता हूँ सबका जो लोग आए। लेकिन एक संकल्प लेके जाए कि यहाँ से निकल के आप लोग जाएं और ये सब नेता बैठे हैं, इनको तय करना है क्या अमला जमा पहनाना है कि गोष्ठी से लेके बूथ तक, क्योंकि ये लोग जो जिनसे सामना हम लोग कर रहे हैं ये और कुछ नहीं थे, आप जंतर मंतर पे बैठे ले जाओ, हजारों किसानों को लेके धरने में बैठे रहो, क्या हुआ मंदसौर में? ये कोई जवाब नहीं मानते। यूनाइटेड किंगडम कानून
दिल्ली का एक छात्र राहुल चौधरी, अगर रोहित वर्मूला को याद रखते हो तो राहुल चौधरी का नाम भी सीख लो। प्रोफेसर का नाम लेके चला गया, मेरे जाति के कारण जो है मुझे जहीर किया जाता था, उसने आत्महत्या कर ली थी या चार दिन पहले की। हम लोग संकल्प ले यहाँ से निकल के जाएंगे कि जो आग लगाएगा, जो ये नंगा तांडव करेगा, नफरत का तांडव को तोड़ने का काम और शांत करने का काम यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति करेगा। लेते हो कि नहीं लेते संदेश? धन्यवाद।